हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बेहद ही खूबसूरत और प्यारा सा ये कार्डिगन डिजाइन लेके आई हूँ। बिल्कुल ही सिंपल सोबर और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। बैक साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो, ये बैक साइड से भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। बेबी स्वेटर, गर्ल्स जैकेट, जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती और किसी और प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी बहुत ही खूबसूरत बन के आएगा। इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 18 के मल्टीपल फंदे रखने होते हैं। 18 फंदों का डिजाइन है और लास्ट का एक फंदा और फर्स्ट का एक फंदा हमने एक्स्ट्रा रखना होता है। डिजाइन की हमारी फर्स्ट रो फ्रंट साइड से आएगी। देखो, ये इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने पहले से ही इस पर 38 फंदे डाल के रखे हुए हैं। 38 फंदे डाले हैं, ये मेरे 36 फंदे डिजाइन के हैं। 36 फंदे डिजाइन के हैं और फर्स्ट का एक फंदा और लास्ट के टोटल हमने दो फंदे एक्स्ट्रा रखने होते हैं। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक मेरे 18 फंदे हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक 18 फंदे हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालने हैं, फिर इस डिजाइन को उस पर अप्लाई कर लेना है। डिजाइन की हमारी फर्स्ट रो फ्रंट साइड से आएगी। देखो, ये पहले फंदे को हमने उतार लेना है, ये हमारा एक्स्ट्रा वाला फंदा है। अब हमने यहाँ से अपना डिजाइन स्टार्ट कर लेना है। देखो, ये तीन फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं, एक, दो और ये तीन। धागे को पीछे कर लेंगे और यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले फंदे को छोड़ के सेकंड वाले फंदे को देखो, ये फ्रंट साइड से हमने सीधा बना लेना है। देखो, पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे, इस तरीके से सिलाई डाल के हमने पहले वाले फंदे को सीधा बना लेना है, सॉरी सेकंड फंदे को सीधा बना लेंगे। उसके बाद ये पहले वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एक, दो, ये वाला फंदा छोड़ देंगे। सेकेंड फंदे को बैक साइड से देखो, हमने इस तरीके से पहले बनाना है, सीधा बना लेंगे। उसके बाद ये पहले वाले फंदे को भी सीधा ही बना लेना है। फिर से ये रिपीट करेंगे, ये चार फंदों को देखो, ये एक फंदा हमने पहले फंदे को छोड़ देंगे, सेकंड फंदे को देखो, ये इस तरीके से हमने सीधा बना लेना है। उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को भी सीधा ही बना लेंगे। फिर से हमने दो फंदे और बना लेंगे हैं, पहले फंदे को छोड़ देंगे, बैक साइड से देखो, ये एक फंदा सीधा बना लेंगे। उसके बाद ये पहले वाले फंदे को फ्रंट साइड से सीधा बनाना है। देखो, ये उसके बाद एक बार और करना है हमने, पहले वाले फंदे को छोड़ के सेकंड फंदे को देखो, फ्रंट साइड से सीधा बना लेना है। उसके बाद पहले वाले फंदे को भी सीधा ही बना लेंगे। नेक्स्ट वाले जो दो फंदे हैं, देखो, ये पहले फंदे को छोड़ देंगे, सेकेंड वाले फंदे को बैक साइड से सीधा बना लेना है। उसके बाद पहले वाले फंदे को भी सीधा ही बना लेंगे, फ्रंट साइड से बना लेना है। धागा हमने अपनी तरफ कर लेना है और तीन फंदे उल्टे बना लेने हैं। देखो, ये एक, दो और ये तीन। फर्स्ट पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। देखो, ये हमारा एक्स्ट्रा वाला फंदा था, उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, यही 18 फंदे हमने फिर से रिपीट कर लेने हैं। देखो, ये तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन। धागा पीछे कर लेंगे, फिर से हमने देखो, ये एक, दो, सेकंड फंदे को ये फ्रंट साइड से सीधा बना लेना है। उसके बाद पहले वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे। दो फंदे फिर से हमने बैक साइड से देखो, पहले वाले फंदे को छोड़ के सेकंड फंदे को इस तरीके से हमने बैक साइड से सीधा बना लेना है और फर्स्ट वाले फंदे को फ्रंट साइड से सीधा बना लेंगे। फिर से हमने दो, यही चार फंदे रिपीट कर लेने हैं। देखो, ये दो फंदे तो हमने, ये जो सेकंड फंदा है इसको सीधा बना लेंगे पहले, और पहले वाले फंदे को बाद में बना लेना है। और ये जो दो फंदे हैं, पहले वाले फंदे को छोड़ के सेकंड फंदे को देखो, बैक साइड से सीधा बना लेना है। उसके बाद पहले वाले फंदे को फ्रंट साइड से सीधा बना लेना है। ये हमने दो बार बना लिया है, एक बार हमने और बना लेना है। देखो, ये चार फंदों का डिजाइन है, दो, चार। फिर से देखो, ये पहला वाला फंदा छोड़ के सेकेंड फंदे को सीधा बना लेंगे, उसके बाद पहले वाले फंदे को भी सीधा ही बना लेना है। पहला फंदा छोड़ के सेकंड फंदे को देखो, बैक साइड से सीधा बना लेंगे और ये पहले वाले फंदे को फ्रंट साइड से सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे बना लेने हैं, एक, दो और ये तीन। धागा पीछे करके ये एक्स्ट्रा वाला फंदा, इसको भी हमने सीधा बना लेना है।
ये हमारा यहाँ पे सेकंड पैटर्न कंप्लीट हो गया था। लास्ट का फंदा हमने सीधा बना लिया है। देखो हमने तीन फंदे उल्टे बनाए थे, उसके बाद ये पहले वाले फंदे को बाद में बनाया, उसके बाद पहले वाले फंदे को बनाया, और यहाँ पे भी देखो पहले वाले फंदे को बैक साइड से पहले बनाया, उसके बाद फ्रंट साइड से बना लिया। ये चार फंदे हो गए, फिर से चार फंदे और फिर से चार फंदे। ये हमने तीन बार डिजाइन डाला है बीच में, और हमारी फर्स्ट रो फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गई है। बैक साइड है, सेकंड रो है, पहले फंदे को उतार लेंगे, बाकी की रो हमने बैक साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं बैक साइड से सेकंड रो कंप्लीट कर लूँगी। बैक साइड से सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी थर्ड रो है, फ्रंट साइड है, पहले वाले फंदे को उतार लेना है, उसके बाद हमने ये फर्स्ट के तीन फंदों को तो उल्टा ही बना लेना है, एक दो और ये तीन। धागे को हमने पीछे कर लेना है। ये देखो जो हमने चार चार फंदे के जो डिजाइन डाले थे, देखो ये चार फंदे यहाँ पे, चार फंदे यहाँ पे, चार फंदे यहाँ पे। तो ये हमने क्या करना है, पहले हमने देखो ये जो दो फंदे हैं पहले वाले फंदे को छोड़ के सेकेंड फंदे को इस तरीके से बनाया था फ्रंट साइड से। अब की बार हमने क्या करना है, इस डिजाइन को बंद करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डिजाइन को खोला है, देखो ये इस तरीके से बनाया था, ध्यान से देखना है। यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, ये पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे और सेकंड फंदे को बैक साइड से सीधा बना लेना है, और पहले वाले फंदे को फ्रंट साइड से बना लेंगे। और यहाँ पे हमने पहली वाली सिलाई में बैक साइड से बनाया था, तो अब की बार हमने फ्रंट साइड से पहले फंदे को बना लेंगे और बाद में ये सेकंड फंदे को बना लेना है। यहाँ पे हमने जो हमने पहले बनाया था वो बाद में बना लेना है, और जो बाद में बनाया था पहले बना लेना है। देखो इस तरीके से बैक साइड से, देखो ये हमने एक फंदा सीधा बना लेना है, दूसरा फंदा फ्रंट साइड से सीधा बना लेंगे, और यहाँ पर ये फर्स्ट वाले फंदे को छोड़ देंगे, सेकेंड फंदे को देखो ये हमने बैक साइड से नहीं बनाना है, फ्रंट साइड से बनाना है, और ये पहले वाले फंदे को भी सीधा बना लेना है। फिर से रिपीट करेंगे एक बार, पहले फंदे को बैक साइड से बना लेंगे और यहाँ पे हमने पहले वाले फंदे को फ्रंट साइड से बना लेना है, और यहाँ पे हमने देखो ये सेकंड फंदे को पहले बनाना है फ्रंट साइड से, और ये फिर उसके बाद पहले वाले फंदे को बना लेना है। धागा अपनी तरफ कर लेना है, तीन फंदे उल्टे बना लेने हैं, तीन। देखो ये यहाँ पे पहला फंदा एक्स्ट्रा था, दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह। फिर से रिपीट कर लेंगे, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे बैक साइड से। देखो ये पहले फंदे को छोड़ने के बाद इसको हमने बैक साइड से सीधा बना लेना है, उसके बाद पहले वाले फंदे को फ्रंट साइड से बना लेंगे। ये जो दो फंदे हैं इनको हमने पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे, सेकंड फंदे को फ्रंट साइड से सीधा बना लेना है, उसके बाद पहले वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे। फिर से रिपीट कर लेना है, सेकंड फंदे को बैक साइड से सीधा बना लेना है, और उसके बाद पहले वाले फंदे को फ्रंट साइड से। फिर से पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे, सेकंड फंदे को ये देखो पहले बना लेंगे, और उसके बाद पहले वाले फंदे को बना लेंगे। फिर से हमने सेकंड फंदे को देखो बैक साइड से बना लेना है, फ्रंट साइड से पहले वाले फंदे को बना लेंगे। फिर से हमने देखो ये पहले वाले फंदे को छोड़ के सेकंड फंदे को सीधा बना लेंगे पहले, बाद में फर्स्ट वाले फंदे को। धागा अपनी तरफ, और यहाँ पे तीन फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। ये सेकंड पैटर्न भी कंप्लीट हो गया, लास्ट का एक फंदा बचा है, इसको हमने सीधा बना लेना है। अब हमारी ये फोर्थ रो है, बैक साइड है, पहले फंदे को उतार लेंगे, उसके बाद हमने बाकी की रो उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं ये रो बैक साइड से कंप्लीट कर लेती। चौथी रो बैक साइड से कंप्लीट हो गई है, और ये हमारा डिजाइन भी यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गया है। यही चार सिलाइयाँ आपने बार बार रिपीट कर लेनी है, और अपने पूरे प्रोजेक्ट पे इसको अप्लाई कर लेना है, तो ये ब्यूटीफुल सा डिजाइन बन के आ जाएगा। ज़रूर ट्राई करना आप इसको। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।